Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys Bandra Alco Market vlog. सॉरी इसको बैंड्रा हिल रोड मार्केट बोला जाता है बट मैं इसको बैंड्रा एल्को मार्केट बोलती हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पे बैंड्रा स्टेशन पे आना है, आपने 20 रुपीज़ पर सीट ऑटो मिलता है वहाँ पे शेयरिंग, और आप बैंड्रा एल्को मार्केट यानी बैंड्रा हिल रोड मार्केट पहुँच जाओगे। मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइमिंग है 4 o'clock से के बीच, मतलब 4 o'clock से 9 o'clock तक का ये टाइमिंग एकदम बेस्ट है, एकदम परफेक्ट है। बस ऐसा थोड़ा सा इशू कभी कभी हो जाता है कि उठाने के लिए वो TMC की गाड़ी वगैरह आती है एंड फिर वो भैया लोग को बैठने नहीं मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट वाज अ प्रीव्यू कि मैंने वहाँ पे क्या क्या देखा। अब हम यहाँ से मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। ये मैं ऑटो में थी और मैं इवनिंग में पहुँच गई मार्केट। मार्केट पहुँचने के बाद मैंने बोला चलो मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, क्या न्यू चीज़ें आई है वो देखा जाए। यहाँ पे सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ आई थी शर्ट की, जो थी 100 रुपीज़ की। यह है कि आपने अच्छे से ढूंढना है, छाटना है और अच्छा वाला शर्ट पसंद करके ले लेना है। एक चीज़ बहुत बेस्ट है कि अच्छी चीज़ें मिल जाती है, बट यह है कि आपने चेक करना है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप स्ट्रीट से कोई चीज़ लो तो उसे थ्रोली चेक कर लो अच्छे से कि कहीं कुछ भी छोटा मोटा डिफेक्ट ना हो। यूजुअली छोटा मोटा ठीक है, बट ऐसा कुछ बड़ा ना हो कि यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम इन वेयरिंग दैट पर्टिकुलर ड्रेस। जो ड्रेस सस्ते में मिलते हैं उसको मैं चेक कर लेती हूँ, बाकी कोई ड्रेसेस के लिए आई डोंट गो फॉर दैट। ओके, यहाँ पे भी 100 रुपीज़ के टॉप शर्ट्स अलग अलग वराइटीज़ की मिल रही थी। जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं या 11 o'clock से 4 o'clock के मिडल में या 11 o'clock से 3 o'clock के मिडल में, तब हम लोगों ना ये सब स्ट्रीट वाले भैया यूजुअली नहीं मिलते, बहुत कम मिलते। और यूजुअली ना यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने थोड़ी बहुत शॉप देखा है बंद भी रहती है, ये सिर्फ फ्लो में इवनिंग में स्टार्ट होती है। धूप में कैसा भैया लोग भी बैठने में इंटरेस्टेड नहीं रहते स्ट्रीट्स पर। 4 o'clock से 3 o'clock के बाद से कैसा स्टार्ट हो जाता है, सारे भैया लोग ऑन द स्टॉल्स बैठे रहते हैं। बट अगर TMC की गाड़ी वगैरह आई तो वो लोग हाफ एन आवर 1 hour के लिए गायब हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम वो लोग वापस आते हैं। तो अगर कभी आप गए और आप लोगों को लगा रहे यार मार्केट में भैया लोग नहीं है, हम लोग का आना वेस्ट हुआ, तो आपका आना वेस्ट नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम वेट करना है, थोड़े टाइम बाद कहीं कहीं गलियों से भैया लोग वापस बैक टू शॉपिंग आ जाते हैं और इस तरह से रश भी हो जाता है। ओके, यहाँ पे पैंट्स वगैरह मिल रही थी जो कि 100 रुपीज़ की थी और बहुत अच्छी थी। मतलब वैरायटीज़ थी, जीन्स था, ट्रैक पैंट्स थी, बहुत सारी वैरायटीज़ ऑप्शन थी। आपने अपना साइज़, अपना पसंद, चॉइस ऑफ ड्रेस खुद पसंद करना है, ढूंढना है और फिर ले लेना है। ये पीछे जो शॉप है वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट्स हैं। ये रहे जो पीछे, ये सब वन पीसेस बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत प्रीटी प्रीटी थे, मुझे अच्छे लगे। हुरेन। ओके, तो यहाँ पे इस बार मैंने स्लीपर्स वगैरह भी देखा, तो यहाँ ओके तो सॉरी लिटिल सर, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो क्रिसमस आया है तो क्रिसमस के हिसाब से इस बार मार्केट सजाया गया था, पूरा क्रिसमस वे में था। और ये सारी शू वगैरह जो ट्रायोस के पास मिलती है, ये शूज़ ना आपको ट्रायोस से पहले मिलेगी नहीं। ये देखो, ये भैया लोग आ रहे थे अपने स्टॉल्स लेकर वो टाइम पे। मैं जब स्टार्टिंग में देखा तब मार्केट में इतना वो नहीं था, रश था, तो फिर थोड़े टाइम बाद वो भैया लोग आने लगे। ये रही स्लीपर जो आपको ट्रायोस के पास ही मिलेगी, और जिस लोगों को, मम्मी को भी मेरी बहुत पसंद है ऐसी वाली स्लीपर, बट थोड़ी सी हील में। तो ये भैया लोग के पास हील में भी होती है, विदाउट हील्स भी होती है, इनके पास वैरायटीज़ होती है, मुझे बहुत पसंद है। बट इट्स समथिंग कि मैं स्लीपर नहीं पहन सकती, मुझे नहीं आता है आज तक स्लीपर में चलना। मैं शू काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हूँ, शू, जूती, मोजड़ी, आई एम वेरी गुड विद दैट। बट एनीथिंग जो मेरे पैर को कवर नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें नहीं चल पाऊँगी। लाइक स्लीपर्स, या तो मेरा पैर बाहर चला जाएगा तो स्लीपर्स कहीं चली जाएगी, तो इट्स ऑल अबाउट कि आई डोंट गो फॉर समथिंग विद दैट। अब यहाँ पे हम लोग टॉप देख रहे थे, 100 रुपीज़ के थे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे। इसका कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही वियर्ड था, ब्लैक था और पर्पल कलर के स्लीव्स थे। अगर आप बैंड्रा मार्केट आओ ना, तो रात इवनिंग टाइम में आने का बेस्ट पार्ट ये है कि आप यहाँ तो दो मार्केट एक्सप्लोर कर ही लेते हो अच्छे से,
उसके बाद जब आप बांद्रा स्टेशन जाओगे ना, तो सबसे बेस्ट कलेक्शन आफ्टर 10 या आफ्टर 10:30 आपको वहाँ पर मिलेगा। 50-50 रुपीज़ के जैकेट्स, इतने अमेजिंग, इतने अच्छे, और बहुत सस्ती चीज़ें, 100 रुपीज़ की जैकेट्स, 100 रुपीज़ के बच्चे लोग के जैकेट्स, और वो भी मैं बोलूँ ना आपको अच्छी क्वालिटी के। और लिटरली सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वहाँ लाइट्स वगैरह नहीं थी। मैंने सोचा वहाँ का भी एक प्रॉपर वीडियो शूट करूँ, बट एक ही इशू हुआ, दैट इज़ अबाउट लाइट। वहाँ पे ना प्रॉपर लाइट नहीं था, तो मैं नहीं शूट कर पाई प्रॉपर लाइट की वजह से। आई वाज लाइक अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था इतना। आपको खुद ही वो कहते ना भैया लोग, थोड़ा बहुत टॉर्च या थोड़ी बहुत लाइट है उसमें ही आपको ढूंढना रहता है। ये यहाँ पे हम लोग डेनिम पूछ रहे थे कि हम लोग को क्या रेंज में मिलेगी, तो वो डेनिम भैया महंगे महंगे में दे रहे थे, 250-300। ओके, सो इस तरह से मार्केट में रश स्टार्ट हो गया। मार्केट में पहले रश नहीं था, मैंने बताया ना, वो भीड़ जैसे वो भैया लोग आने स्टार्ट हुए, रश भी स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे रेट्स में मिलने लगी। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं सारे वीडियोस बांद्रा लिंकिंग, बहुत सारे लाइक ट्रैवलिंग व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। सो इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, सॉरी फंबल ओवर यू, इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर टू गिव अ कमेंट रिगार्डिंग व्हाट यू फील अबाउट माई वीडियोज़, और आप कौन से अलग वीडियोज़ देखना चाहते हो। मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ जो कि हॉनेस्ट रिव्यू अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होता है, सो मेक श्योर टू विजिट दैट टू। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए प्लीज़। ओके, नाउ ये पूरा मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर करो। और मैंने बहुत सारे बांद्रा लिंकिंग, हिल रोड्स और कोलाबा मार्केट, बहुत सारी जगह की, लाइक मुंबई की बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स के वीडियोज़ अपलोड किया है। और आप लोगों को मैंने बस आप लोग एक बार चैनल देखोगे, यू विल गेट टू नो कि मैंने क्या क्या अपलोड किया है। ओके, दिस आर द ओडीज जो मेरी फ्रेंड ट्राई करके देख रही थी, भैया कम ही करने नहीं तैयार थे। और यहाँ लखनवी कुर्ती 300-300 की मिल रही थी, और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे भैया के पास, जॉर्जेट, कॉटन। मैंने पहली बार लखनवी कुर्ती बांद्रा या आप हिल रोड मार्केट में देखा हो, मैंने कभी नहीं देखा ये ऐसी कुर्तीज़ यहाँ मिलती। ये फर्स्ट टाइम था कि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ की कुर्तीज़ आ गई थी, तो मैंने खुद देखा रुक कर कि भाई ऐसा कैसे हो गया ये। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये स्टेशन का छोटू सा वीडियो है, यहाँ पे 100-100 रुपीज़ की जैकेट्स मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो शूट कर लूँ, मुझे बहुत प्रिटी लगी। एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद 50 रुपीज़ की भी मिल रही थी, तो यू कैन इमेजिन ये कितनी सस्ती मिल रही थी। तो आप आओ तो स्टेशन मार्केट नहीं भूलना, स्टेशन में भी जाकर एक बार एक्सप्लोर कर लो, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएगी आपको।